सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड गाइस, टुडेज व्लॉग रिलेटेड टू आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन। एंड गाइस, अपन जा रहे हैं आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन खेलने, और अपने साथ अली भाई चलते गए। इस बार वापस से गोल्ड लाएंगे, और ये कॉम्पिटिशन मेरे लिए पहली बार होगा, क्योंकि मतलब पहली बार आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन खेल रहा हूँ, पहले पावर लिफ्टिंग खेल रहा हूँ। मिलता गाइस, पहुंच चुके लोकेशन पे। ऐसा कुछ लोकेशन है अपना, और यहाँ पे आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन होगा भी। और भाई, हम बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच गए, मतलब कॉम्पिटिशन है 9:30 बजे, और गाइस ये गर्ल्स टॉयलेट है। एंड अरे भाई, जिसको दिखाना वो तो दिख ही नहीं रहा। कहाँ ली भाई? हाँ तो आओ ना, हाँ जल्दी आ जाओ, ओ वेट हो रहा है, जल्दी आओ। भाई ये गर्ल्स टॉयलेट कब तक घुस के बैठा हुआ? अरे भाई, गर्ल्स टॉयलेट नहीं है, आ जाओ यार जल्दी। तब बिना कपड़ों की किया? हाँ मतलब वो उतरवाती है। ये कौन है? लेकिन कहाँ से आ रहे हो? ऐसा गाइस, वेट कैटेगरी हो चुकी है, ये यहाँ पे वेट कैटेगरी हो रही है। और ये जैसा जो भी रहता था, मतलब सब बनाते हैं, वो बना रहे क्या। और मेरा वेट आया है 55 से लेके 60 के बीच में, यानी मेरे कैटेगरी के लोग 55 से लेके 60 में रहेंगे। और भाई यहाँ पे बहुत हेवी हेवी बन, मतलब बहुत हेवी हेवी लोग आएंगे 55 से 60 के, मतलब बहुत सारे। देखते, लग तो नहीं रहा कुछ हो पाएगा, फिर भी देखते कैसा क्या होता है। एंड कीप वॉचिंग एंड लाइक कर दो। सो गाइस, आप पीएंग स्ट्रिंग मुंह पीते हुए। लेट्स सी, अब वर्कशॉप होगा थोड़ी देर से, और उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। 12:30 के आएंगे थे ना, 12:30 के समथिंग। लेट्स गो, एनर्जी लाते हैं, फिर उसका देखते हैं। गाइस, जितने भी वेट कैटेगरी का सब हो चुका है, और अब अभी हमने पोहे वगैरह खाए थे, प्री वर्कआउट है था, और स्टिंग वगैरह पी थी, जिससे थोड़ी सी स्टेमिना बढ़ा जाए। ये हमारे ये जब कहाँ जा रहा भाई, तो अभी देखते कैसा क्या होता है। और यहाँ पे मेरे को बहुत सारे मेरी पहचान के भी मिल गए थे, मतलब जिसने मेरे को यहाँ पे यहाँ का बताया था कि वो मिल गया था, और एक येगा ये भी अपना ही दोस्त है, मतलब मेरे पहले जो से जिम में आता था वाले जिम का है। सो अब इससे कम मेरे को पहचान का नहीं है, पर आई एम पहचान का ये है। आई एम योर पहचान का पाँच रुपये वाली इंग्लिश गाइस, प्रमोशन कर दे कर दे। गाइस, अभी अपना 12:30 बजे तक के कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड गाइस, आपको एक बात बताना चाहता हूँ भाई, जो अभी हम लोग प्रैक्टिस मैच कर रहे थे, तो वर्कशॉप थी बिगनर्स के लिए, तो हम लोग बिगनर्स ही है अभी, तो हमने वो वर्कशॉप अटेंड करी थी। उसके अंदर बताया था उन्होंने, कोई देवास में एक लड़का था, उसका आर्म रेसलिंग में ये बाइसेप के साइड से हाथ टूट गया, क्योंकि ये फॉर्म गलत थी उसकी। तो अभी वर्कशॉप में हमारे को फॉर्म वगैरह बताई है, देखते अब कैसा क्या होता है। कुछ कहना नहीं था तो कई को कई बार उधर करवाता हूँ मैं। देख, मैं ये बोल रहा था कि फिर अब देखो, मेरी 12 बज चुकी है कि मेरे को हड्डी टूटने का डर है, और मेरा हाथ दुख रहा है वैसे भी। यहाँ से अली भाई ने ज़्यादा प्रैक्टिस मैच करी भाई, कहा तेरे कम करें मैंने, मेरा हाथ कल से दुख रहा है, हड्डी टूट ना जा रही। कोई भी बात है भाई,
बस बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के करेंगे, इंशाल्लाह गोल्ड लाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, साफ। सो गाइस मेरा जो भी कंपटीशन था वो हो चुका है एंड अभी मेडल वगैरह कुछ भी नहीं लगा है, फिफ्थ प्लेस बनी है और हाथ के बारे में चुकी है। अली भाई का कंपटीशन है, ये कौन लोग है? ये 70 to 75 to 70 भाई, ये लोंडे 65 to 70 और अली भाई 73 है। अली भाई तुम्हारे टाइम में तो जाड़ी ही आएंगे, तुम्हारे टाइम में तो जाड़ी आएंगे भाई। हाथ की 12 बज गई और ये पहन भाई, मेरा हाथ तो पसीने पसीने हो रहे हैं, पता नहीं क्या हुई क्या। मेरी रिस्ट बहुत तेज की दुख रही है, लेकिन गोल्ड नहीं लगा, इंशाल्लाह अगले टाइम लगेगा, कभी ना कभी तो लगेगा। अगली बार ट्रॉफी की नियत से आएंगे फिर, इस बार लगा नहीं लगेगा। Thank you.